फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं किचन में हूँ, आप लोगों को पता चल गया होगा। और मैं किचन में हूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ इडली और सांभर। तो देखो मैं कैसे सांभर बना रही हूँ, मैं सांभर। तो चलो आप लोग को मैं दिखाती हूँ, और आप लोग कैसे हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये कुकर में दाल रख दी और दाल गर्म हो गया है, तो अभी चलो इसमें डाल देते हैं। ये देखो टमाटर काट के रखी हूँ, इसमें डाल देती हूँ टमाटर। और इधर है ये देखो, ये भोपला जो हम लोग को बिहार में बोलते हैं इसको कोहड़ा, सीताफल, तो ये है भोपला। और ये है बैगन, देखो ये बैगन और ये भोपला। चलो इसको भी डाल देते हैं। ये सब डाल दी मैं, और थोड़ा सा लग रहा है पानी डालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा है पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही बस डालना है। और इसमें डाल देंगे हल्दी, नमक मैं डाल दी हूँ पहले से ही दाल में। तो ये देखो, चलो अब इसको सीटी लगा देते हैं। सिटी लगा दी, और आज है सैटरडे, और सैटरडे को आज मुझे बाल धोना है, क्योंकि आज जाना है हल्दी कुमकुम में, तो आंटी बुलाई है। तो ये सामने वाला खिड़की आप लोग को दिख रहा होगा, मेरे सामने खिड़की है, तो वो आंटी बुलाई है, तो आज मैं उनके घर जाऊंगी। और उनके घर हल्दी कुमकुम है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हल्दी कुमकुम महाराष्ट्र में कैसे होता है, तो मैं सब आप लोग को मैं दिखाऊंगी। और शाम को जाना है, 6 बजे के बाद बुलाई है, तो वही 6:30-7 बजे तक मैं जाऊँगी। और मेरे बिल्डिंग के भी एक आंटी है, तो वो भी जाएगी, मैं और वो दोनों साथ में जाएंगे, तो मैं पूरा पूजा दिखाऊंगी हल्दी कुमकुम का। तो चलो ये देखो, ये खिड़की बहुत धूप आ रहा है ना, धूप बहुत आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा। वो खिड़की है ना, वहाँ जाना है। और ये रहा मेरा किचन का खिड़की, ये सब दिखता है। तो चलो ये डालना है इमली सांभर में, इसको पानी में डाल दी हूँ, तो अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों चलो ये है सहजन, और सांभर बन के रेडी है। तो सांभर में मैं डाली, आप लोग से बताई, सहजन में नहीं डाली, सहजन बाद में डालती हूँ। और ये जो नींबू पानी, नींबू डाली मैं पानी के अंदर, तो मैं इसलिए डाली क्योंकि वो काला ना हो। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी इडली बनाएं आप लोग, तो पानी में नींबू ज़रूर डालें, ताकि जो बर्तन है वो काला ना पड़े, उसमें वो साफ़ हो जाता है नींबू डालने से। तो चलो मैं इडली बना लेती हूँ। और आज मैं बोली थी कि मसाला इडली, मैं 3 तरह की इडली बनाऊँगी, तो वो अलग से ब्लॉग आएगा, नहीं तो इसमें ऐड करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग से ब्लॉग डालूँगी 3 तरह की इडली का। और अभी चलो मैं फटाफट से इडली बना लेती हूँ। सांभर रेडी हो गया है, सांभर में बस तड़का लगानी है, तो चलो जल्दी से ये इडली को बन कर देती हूँ, उसके बाद तड़का भी लगा लेती हूँ। तो इधर देखो सांभर भी रेडी हो गई है बनकर, और चलो अभी इसमें इमली के पानी डाल देती हूँ। तो ये देखो इमली को अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, उसका पानी निकाल के डाल दी। और ये जो सहजन था, सहजन के पानी के साथ ही डालना है, क्योंकि सहजन के जितना भी टेस्ट है सब पानी के अंदर ही है, तो इसीलिए उसका पानी फेंकना नहीं है, गलती से भी आप लोग फेंकना मत, नहीं तो सांभर का टेस्ट नहीं आएगा। तो चलो अब ये सांभर मसाला है, तो सांभर मसाला का डायरेक्ट सांभर में नहीं डालना है, नहीं तो सांभर गर्म रहता है, मसाला आप डालोगे तो फिर वो दाना दाना जैसा हो जाएगा, मसाला अच्छे से नहीं गलेगा। तो इसके लिए उसको ठंडा पानी में पहले डाल के फिर उसमें डालना रहता है। अभी मैं डाल दी धनिया पत्ता, और मैं आर्यन के लिए सांभर निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी, क्योंकि आर्यन को नहीं पसंद है सरसों और हींग, उसको नहीं पसंद है, इसीलिए उसको पहले से मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर तड़का लगाती हूँ। और इधर इडली भी बनकर रेडी है, तो ये मसाला इडली है, और आप लोग देखो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका है, कितना लोग को मैं देखती हूँ कि वो चम्मच से चाकू से ऐसे निकालते हैं तब निकलता है इडली बनने के बाद, मेरा इडली आप लोग देखे ना, सामने सामने मैं निकाली, थोड़ा सा भी नहीं चिपका है। तो दोस्तों
नाश्ता बन गया है और मैं नहा ली हूँ क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को हम लोग बिना खाए नहा लेते हैं सुबह। जैसे मैं सुबह नहा ले, आज भी बता देती हूँ कि मैं पीला सिंदूर लगाई हूँ क्योंकि सैटरडे और थर्सडे को हम लोग पीला सिंदूर लगाते हैं। और चलो खाना सबको दे देती हूँ, खाना भी बन गया है। खाने में आज मैं बन रही हूँ, सुबह इडली और सांभर बनाई। तो इडली सांभर सांभर मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि घर में सबको बहुत पसंद है सांभर, तो इसलिए मैं ज़्यादा सांभर बनाती हूँ कि सुबह नाश्ता में भी हो जाता है और दोपहर के खाने में भी हो जाता है। क्योंकि दोपहर में मैं चावल और आलू की सब्जी बनाई और सांभर वो हो जाता है सबका खाना, सबको बहुत पसंद है तो वही बनाई मैं। और रात के देखेंगे, अभी रात में जाना है आंटी के घर हल्दी कुमकुम में, और अभी आर्यन खा रहा है खाना और सबको खाना दे देती हूँ। चलो तो दोस्तों अभी सबको खाना दे दी और ये देखो शीशा में दिख रहा है पीछे से, तो सबको दे दी हूँ खाना और मैं भी खा ली खाना। और अभी वो जो मेरे बिल्डिंग में आंटी रहती है तो वो कॉल की थी कि कैसे कलर के साड़ी पहनोगी, तो वैसे ही मैं भी पहनूंगी, सेम कलर के पहन के चलेंगे। मैं बोली ठीक है चलो साड़ी देख लेती हूँ मैं क्या पहनूंगी, और आप लोग से मैं दिखाऊंगी जब मैं रेडी हो जाऊंगी, जब साड़ी रेडी होंगी, जब तैयार होंगी तब सब दिखाऊंगी आप लोग से। और चलो ब्लॉग के यहीं पे एंड करती हूँ, और शाम को ब्लॉग आएगा पूजा का, हल्दी कुमकुम का शाम को ब्लॉग आएगा, और ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।